राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल से संबल योजना के अंतर्गत 10,285 हितग्राहियों को 224 करोड़ से ज्यादा की राशि का सीधा बैंक खाते में वितरण किया। सीएम शिवराज ने कहा कि बीजेपी सरकार ने संबल योजना फिर से प्रारंभ की है और आज 10,000 से ज्यादा हितग्राहियों को 224 करोड़ से ज्यादा की राशि वितरित की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। पिछले साल 25 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी गई थी और अध्यक्ष जी मेरे साथ है, बृजेन जी है, कई जगह किसान रोते ही रहे थे पिछली सरकार में, धान खरीदी नहीं, धान उठाई नहीं, बोरियों में धान उग गई थी। इस साल हमने 37,26,000 मीट्रिक टन धान खरीदी है, 7,000 करोड़ रुपए की अभी तक खरीदी हुई है, 5,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंचाए जा चुके हैं और आपने देखा कहीं कोई असंतोष नहीं, पूरी तरह से वैज्ञानिक व्यवस्था के तहत बिना किसी परेशानी के किसान से धान खरीदी का ये काम संपन्न हुआ है। ये एक उदाहरण है कि एमएसपी पर खरीद भी होती है, रिकॉर्ड तोड़ खरीद होती है, गेहूँ की भी यहाँ रिकॉर्ड तोड़ हुई। मंडी के अंदर एक बड़ी विषम स्थिति देखने को मिल रही है, एक तरफ किसान आ रहा है अपनी फसल लेके एमएसपी में बेचने के लिए, उनकी फसलों को खरीदा नहीं जा रहा है, किसी न किसी कारणों से नुक्स निकाल के उन फसलों को रिजेक्ट किया जा रहा है। दूसरा, कुछ लोग हैं जो किसान नहीं हैं और वे फसल वहाँ लाके एमएसपी की दर पे बेच रहे हैं, निश्चित वो दलाल हैं, एजेंट हैं। तो सवाल ये उठता है कि यदि सरकार ये कहती है कि एमएसपी पे ही खरीद और बिक्री होगी तो फिर एजेंट कम दर पे खरीद कर और महंगी दर पे एमएसपी पे बेचने के लिए फसल कहाँ से ला रहा है, और यदि उसकी फसल अच्छी है तो फिर जो किसान लेके आया था वो फसल ख़राब कैसे सिद्ध हो गई, क्योंकि देखने में यही चीज़ आ रही है कि जिसको वहाँ से रिजेक्ट किया जाता है उसे एजेंट बाहर खरीद लेता है और एजेंट की खरीदी हुई चीज़ को ऊंचे दामों पर एमएसपी की दर पे सरकार खरीद लेती है। तो बहुत गंभीर जो आरोप लगाए गए हैं, और ये कांग्रेस के प्रवक्ता थे जिनके द्वारा ये गंभीर आरोप, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में संबल योजना के तहत 10,000 से ज़्यादा लोगों के खाते में 224 करोड़ से ज़्यादा की राशि का आवंटन किया, उसमें खाते में डाले, लेकिन साथ में एमएसपी को लेकर उन्होंने बात कही कि इस बार रिकॉर्ड स्तर पर खरीदारी मध्य प्रदेश में एमएसपी पर हुई है। तो वहीं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ शैलेंद्र परासर हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल से। शैलेंद्र, सबसे पहले जाने की हम ये कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से लगातार एमएसपी को लेकर बातें कही जा रही हैं कांग्रेस ने, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि हम रिकॉर्ड स्तर पर खरीदारी कर रहे हैं, क्या कुछ ये पूरा मामला एक बार विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल मोहित, बताना चाहूंगा कि लगातार जिस तरह से संबल योजना अप्रैल 2018 में शुरू होती है और कांग्रेस कार्यकाल में इस योजना को बंद कर दिया जाता है और पुनः मिंटो हॉल में सीएम शिवराज सिंह चौहान इस योजना का फिर से सुचारू करते हैं। और संबल योजना की हम बात करें तो संबल योजना ऐसे असंगठित मजदूर संघ के लिए 11 सूत्रीय कई विभागों को जोड़कर यह योजना बनाई गई थी और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो मजदूर थे उनके लिए इस योजना का लाभ मिल रहा था, चाहे वह जन्म से लेकर मृत्यु की बात हो, इसमें प्रसव की बात हो तो प्रसव के पहले भी इस योजना में 4,000 मिलता था, प्रसव के बाद महिला को यहाँ 12,000 रुपए का यहाँ अनुदान दिया जाता था। वहीं अगर मजदूरों की हम बात करें तो उनकी साधारण मृत्यु पे 5,000 रुपए दिया जाता था और वहीं आकस्मिक मृत्यु पे अपंग होने पे 2,00,000 रुपए 4,00,000 रुपए दिया जाता था। इस योजना पे देखा यह गया था कांग्रेस कार्यकाल में कि कई लोग इस योजना पे मिली भगत से पलीता लगा के नजर आ रहे थे, तो इसमें कांग्रेस कार्यकाल में कई ऐसी सीएम सभा बीजेपी द्वारा चलाई गई तमाम योजनाओं को यहाँ बंद कर दिया गया था, लेकिन अब भाई बीजेपी की पुनः सरकार बनने के बाद इन योजनाओं को लागू कर दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल मोहित यहाँ पर ये उठता है कि संबल योजना और जिस तरह कांग्रेस प्रवक्ता कांग्रेस द्वारा आरोप लगाया जाता है कि लगातार किसानों और जो हाथ टेला कामगार संघ है जो संबल योजना उन लोगों के लिए लगाई गई थी और आज मंडी में अगर वो जाते हैं तो मंडी में उनके लिए 5% का अतिरिक्त टैक्स दिया जाता है और अगर दूसरी ओर देखें तो 200
₹300 केवल मजदूरी मिलती है, लेकिन जो खरीदी होती है, जो निचले ठेला संचालक है, सब्जी वाले लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं, तो उनके लिए खरीदी पे 5% काफी एक बड़ा एक उनके ऊपर भार पड़ता है। तो इसी योजना और MSP बिल किसान आंदोलन को लेकर भी कांग्रेस द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, तीनों का कानून को काले कानून का दर्जा दिया जा रहा है, क्योंकि किसानों पर अभी वर्तमान में 2024 करोड़ की संबल योजना के तहत भले यहाँ 10,000 से अधिक प्रदेश के हितग्राहियों को लाभ मिला हो, लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें तो यहाँ पर किसानों के लिए धान खरीदी की जो बात वर्तमान में CM शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं जी। लगातार किसी किसान कानून बिल की हम बात करें तो बाहर सीमावर्ती राज्यों से जो किसान आ रहे हैं, जो कि कृषि कानून बिल में दर्ज भी है कि किसी भी स्टेट का किसान ये खरीदी बिक्री कर सकता, लेकिन उन पर कार्रवाई भी समय समय कर दी जाएगी। और लास्ट अंतिम बात यहाँ मोहित ये आती है कि जिस तरह से किसानों पर दलाली सिस्टम और एजेंट सिस्टम, क्योंकि अगर MSP पे कोई भी खरीदी करता है तो वो व्यापारी होगा और वही मंडी पे MSP के रेट पे वह सामान बेचेगा, धान बेचेगा, तो सीधे तौर पे जो लाभ है वह देखने में यह आता है कि वो एजेंटों को, दलालों को बेहतर लाभ मिलता है, किसानों तक सही उनका लाभ नहीं पहुंच पाता। बिल्कुल, लेकिन एक बात और हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि संबल योजना को लेकर बहुत तीखे स्वर में मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा इसकी लगातार चर्चा भी की जा रही है। आखिरकार क्या है संबल योजना, किन किन लोगों को इससे लाभ मिल रहा है, क्योंकि 10,000 से ज्यादा लोगों को खाते में 224 करोड़ से ज्यादा की राशि डाली गई है, इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएं। संबल योजना 11 सूत्रीय विभागों को एकजुट करके असंगठित मजदूर के लिए जन कल्याणकारी योजना थी, चाहे वो बिजली की बात करें तो मजदूरों को ₹200 में कनेक्शन मिल रहा था और ₹200 उनका बिजली का बिल कम करने की बात थी। फिर सब स्वास्थ्य विभाग की हम बात करें तो यहाँ महिलाओं को प्रसव के पहले ₹4,000 मिलते थे तो ₹12,000 प्रसव के बाद दिए जाते थे। तीसरी हम बात करें तो मृत्यु या कामगार संघ के लिए रोजगार की बात थी तो रोजगार को सीधे तौर पर जोड़ा गया था और मनरेगा और तमाम ऐसी योजनाओं का लाभ असंगठित मजदूर उनको यहाँ लाभ मिलना था। चौथी बात यहाँ पर आती है कि जो मृत्यु के दौरान जब आकस्मिक मृत्यु होती है तो उसमें उनको ₹4,00,000 का लाभ मिलता था, परिवार को लाभ मिलता था, जो भी गरीबी रेखा से नीचे के लोग थे जी। समग्र ID के थ्रू उनको शिक्षा निःशुल्क मिलती थी, कक्षा एक से लेकर PhD तक की शिक्षा राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजना द्वारा दिया था। तो इस तरीके के तमाम जो सूत्रीय विभाग को एकजुट करके असंगठित मजदूर संघ, गरीबी रेखा से नीचे लोगों को यह लाभ मिलता था। शैलेंद्र, एक बात हम समझने की कोशिश करें, हमने कांग्रेस के प्रवक्ता का वो बयान सुना, उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं, खास तौर पे एक तरफ मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि हम MSP पर रिकॉर्ड स्तर पर खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता का ये कहना है कि एजेंट्स जो है वो बाहर सस्ती रेट पर धान को खरीद रहे हैं और उसके बाद महंगे रेट पर सरकार को बेच रहे हैं। ये जो आरोप लगे हैं ये क्या आरोप हैं और क्या इन पर सरकार के द्वारा कोई जानकारी दी गई है? जी बिल्कुल मोहित, इसमें कांग्रेस द्वारा जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है और एजेंट और दलाली सिस्टम निश्चित ही मध्य प्रदेश में हावी है और संबल योजना में भी कई ऐसे ही पलीता लगता है, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं होती है और इसके तहत जब देखने में ये आता है कि लोग अपना कोई भी काम करते हैं, जैसे कई मैंने बुंदेलखंड क्षेत्र में देखा, चंबल क्षेत्र में देखा, चंबल यहाँ पर योजना में जो लाभ मिलता है वह लाभ सीधे तौर पर कई बार हितग्राही से उनका ATM या बैंक खाते नया खुलवा कर, अशोक नगर में तो ये हुआ कि साधारण मृत्यु पर 5,000 मिले थे लेकिन उसको आकस्मिक मृत्यु दिखा के कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा ही सारा संबल योजना के 4,00,000-5,00,000 और कई ऐसे ग्रामीणों से उनका लाभ लिया जाता है। तो एक बड़ा सवाल यही उठता है कि इस योजना पे पलीता लग जाता है दलाल एजेंट सिस्टम, या जो जिम्मेदार लोग होते हैं जिनको इन योजना का लाभ देना होता है उन लोगों को सीधे तौर पर वह लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि उन हितग्राहियों को इसकी जानकारी नहीं होती है, अशिक्षित होता है अधिकांश, क्योंकि गरीबी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो तमाम तरह के मामले हैं लीपापोती करने की कोशिश की जाती है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र परासर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शैलेंद्र परासर जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वहां पर जो पूरा मामला है, किस तरीके से संबल योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने अपनी बात कही है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि किस तरीके से जो 224 करोड़ से ज्यादा की जो राशि है 10,000 से ज्यादा लोगों के खाते में डाली गई है। रुक करें अगली